जब योगी जी के मंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम आवाम का क्या होगा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी को मिली धमकी तो सपा ने ले लिए सरकार के मजे। यूपी के कैबिनेट मंत्री को मिली धमकी तो चढ़ गया सियासी पारा। सपा का भी ठनका माथा और पूछ लिया ऐसा सवाल कि सब रह गए सन। नंदी को अलग अलग नंबर से मिली पाकिस्तान से धमकी। धमकाने वालों का इतिहास कर देगा आपको हैरान। देखिए किसको है योगी के मंत्री से खुन्नस और किस संगठन ने दी धमकी। आखिर मामले में सपा की कैसे हो गई एंट्री। उत्तर प्रदेश से माफियाओं के सफाई का दावा किया जाता है। अपराधियों को जेल भेजने की थ्योरी पेश की जाती है, लेकिन जो सरकार अपराधियों और अपराध को खत्म करने का दावा करती है उसी के कैबिनेट मंत्री को धमकी भरे कॉल्स आने लगे हैं। तो क्या आप सरकार के दावों पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, लेकिन धमकी मिल रही है ये बात सच है। योगी कैबिनेट में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को धमकी भरे कॉल्स आए तो सवाल उठे, लेकिन जब मंत्री ने अपनी व्यथा सबके सामने साझा की तो फिर बवाल हो गया और मामले में सपा की भी एंट्री हो गई। सपा की तरफ से मामले में जो कहा गया उसने और ज्यादा चौंका दिया और सत्ताधारी तेल मिला गए। दरअसल यूपी के औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जान से मारने की धमकी मिली थी। योगी सरकार के मंत्री नंदी के सरकारी मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट करते हुए योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर तंज कसा है। इतना ही नहीं, सपा मीडिया सेल ने नंदी को बुलडोजर से सावधान रहने की भी नसीहत दी है। योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को धमकी पर सपा मीडिया सेल ने ट्वीट कर लिखा कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी, या तो ये धमकी आपकी नौटंकी है या ये धमकी आपकी पार्टी में आपसी गैंगवार जूतम पैजार का नतीजा है। आप सरकार में मंत्री हैं, आपको इस प्रकार की धमकी मिल रही है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या ही कहा जाए। अपने दल के खी और बुलडोजर से सावधान रहिएगा। बता दें कि धमकी मिलने के बाद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 25 अप्रैल को DCP मध्य से शिकायत की थी। वहीं जांच के बाद इस मामले को लेकर हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया। इस धमकी को लेकर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि 25 अप्रैल को उनके सरकारी PA के पास फोन आया। जिन नंबर से फोन किए गए वो पाकिस्तान के नंबर थे। इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव ADG लॉ एंड ऑर्डर से हमने बातचीत करके शिकायत की। इस धमकी को लेकर जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार नंद गोपाल गुप्ता नंदी को 4 अलग अलग अज्ञात नंबरों से 19 अप्रैल को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस मामले में 25 अप्रैल को डाक से हजरतगंज थाने में शिकायत भेजी गई थी और फिर 3 मई को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मामले में सपा की एंट्री ने हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ मंत्री महोदय हैं जिनको धमकी मिल रही है, ऐसा उनका दावा है, लेकिन दूसरी तरफ सपा है, इसको एक प्रोपोगेंडा बता रही है। कौन सच है और कौन झूठ कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सियासी पारा चढ़ा हुआ है और सपा की एंट्री ने तो हल्ला मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।